हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बताऊंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो एस बैंक पी में और एस एस में आता है और बहुत ही कॉमन है दूसरे एग्जाम्स में भी तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताऊँगा इसमें क्योंकि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस करेक्शन और क्लोज टेस्ट ये तीनों ही बहुत आसानी से कर सकते हैं इसलिए प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का क्लियर होना तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सेंटेंस आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगा इसमें एक सेंटेंस दिया होगा यहाँ पर और ये अंडरलाइन जो पार्ट है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है यदि ग्रामेटिकली रॉन्ग है तो वो इनमें से किसी पार्ट में से ये जो चार पार्ट दिए हैं वन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये जो चार पार्ट दिए हैं इनमें से किसी से रिप्लेस होगा कौन सा पार्ट ये वाला पार्ट जो अंडर दिस पार्ट ये जो अंडरलाइन पार्ट है और इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है ये वाला पार्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग हो सकता है और इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है इस पार्ट से तो इस तरह के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो सेंटेंस हैं आप तभी इनको सही कर सकते हैं जब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों इन डेप्थ नॉलेज हो आपको तो इसमें में मैं आपको नॉलेज दूंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा करीब पंद्रह सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप में आपसे और काफ़ी मिलते जुलते सेंटेंस ही आपके एग्जाम में आएंगे एस बैंक बी में और एस एस में तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट सेंटेंस है शी कुक्स फूड शी कुक्स फूड वर्क्स ऑन कंप्यूटर एंड देन डूइंग हर होमवर्क अब इस सेंटेंस को ये ध्यान से देखो ये पूरा सेंटेंस यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये यह यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में चल रहा है सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस शी कुक्स फूड वर्क्स ऑन द कंप्यूटर एंड देन और देन के बाद यहाँ पर हमने लगा दिया है इसमें कंटिन्यूस टेंस ये हमने लगा दिया है इसमें कंटिन्यूस टेंस टो टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू मैंटेन वी हैव टू यूज द सेम सेंटेंस थ्रू आउट द वी हैव टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द सेंटेंस यदि हम इसमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे टेंस में इसमें प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होगा तो यहां पर अगर प्रेजेंट टेंस में लगाना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूंगा शी कुक्स फूड वर्क्स ऑन कंप्यूटर एंड देन डज हर होमवर्क डज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सी तो इसलिए डू नहीं आएगा यहाँ पर आएगा डज तो जिस भी सेंटेंस में डज हो वो सही माना जाएगा तो डज किस में है इसमें इसमें डूइंग देन हर होमवर्क देन इज़ डूइंग हर होमवर्क डूइंग हर होमवर्क देन डज हर होमवर्क देखिए ये दिया हुआ है देन डज हर होमवर्क तो ये वाला जो सेंटेंस है ये इसका आंसर होगा आंसर नंबर फोर तो इस तरह से ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप सीख सकते हैं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये आप, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको ये आप सेंटेंस करेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी और क्लोज टेस्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं देखिए यह है नेक्स्ट सेंटेंस इफ यू हैव मनी और पावर यू मिस यूज एंड इफ यू डोंट हैव इट यू विश फॉर इट ये सेंटेंस है आप इसको ध्यान से देखिए यहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है इफ यू हैव मनी और पावर यू मिस यूज नाउ यू मिस यूज वॉट यहां पर कुछ होना चाहिए यहां पर एक वर्ड मिसिंग है यू मिस यूज वॉट बिकॉज मिस यूज इज ए ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसजेटिक वर्ब क्या होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा या मीनिंगलेस होगा तो इसलिए इफ यू हैव मनी और पावर यू मिस यूज इट एंड इफ यू डोंट हैव इट यू विश फॉर इट तो आप देखिए इन सेंटेंस में कहाँ पर कहाँ पर इट है यू मिस यूज़ इट एंड इफ यू डोंट तो ये वाला इसका आंसर होगा इस सेकेंड वाला एकदम तो परफेक्ट आंसर होगा इसका इसमें वैन नहीं आएगा क्योंकि वैन इसमें यहाँ पे एंड नहीं लगा हुआ है तो इसलिए वैन इसमें इनकरेक्ट होगा सो so दैट ये सो so देट जो है ये इससे मीनिंग नहीं बनेगा इसका यू मिस यूज इट एंड इफ यू कांट कांट से भी इसका मीनिंग नहीं बनेगा तो ये इसका जो है सेकेंड वाला जो आंसर है ये इसका एकदम परफेक्ट सॉरी ये वाला आंसर सेकेंड वाला जो आंसर है यू मिस यूज इट एंड इफ यू डोंट ये वाला सेकेंड आंसर है इसका है और ग्रेमेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मेरे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है मिस यूज इज ए ट्रांजिटिव वर्ब सो इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट मिस यूज एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है तो इसके सेंटेंस के हिसाब से ये सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं माय हिस्ट्री टीचर बिलीव्ड दैट आई वुड गेट ओवर माय डिफिकल्ट टाइम्स एंड गेट द रिजल्ट्स दैट आई वुड बी प्रोड्यूसिंग बिफोर मेरे हिस्ट्री टीचर ने बिलीव किया कि मैं अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लूंगा और वही रिजल्ट फिर से प्राप्त करूंगा जो मैं प्राप्त करता आ रहा था पास्ट में प्राप्त करता आ रहा था तो इस सेंटेंस को यूज सेंटेंस uh, को करेक्ट करने की कई दो तीन ट्रिक्स में बताता हूँ एक तो देखिए ये जो वर्ड है बिफोर और आफ्टर बिफोर और आफ्टर को हम यूज करते हैं हमेशा पास परफेक्ट टेंस में और या पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पास परफेक्ट टेंस मींस जिसमें हैड आता है या पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें हैड बीन आता है तो एक तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि बिफोर और आफ्टर से आप पहचान सकते हैं किस टेंस में हैड या हेडबीन का प्रयोग होगा और देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है माई हिस्ट्री टीचर बिलीव्ड यानी कोई पास्ट की बात कर रहा है कि सपोज मैं आ, अपने हिस्ट्री टीचर के बारे बता, में बताऊँ कि माई हिस्ट्री टीचर टोल्ड मी ठीक है मेरे हिस्ट्री टीचर ने मुझे बताया लेकिन क्या बताया वो उस टोल्ड से पहले भी हुआ है यानी ये पास्ट टू पास्ट का सिचुएसन है पास्ट से भी पहले कुछ हुआ है तो पास्ट टू पास्ट के लिए हम लगाते हैं हमेशा हैड बीन और हैड बीन चूंकि एक कंटिन्यूस टेंस है इसके लिए इसके 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 साथ आता है हमेशा आईएनजी फॉर्म देखिए यहाँ पर दिया हुआ जो ऑप्शन हैड बीन प्रोड्यूसिंग और हैड बीन प्रोड्यूस्ड इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हैड बीन प्रोड्यूसिंग आएगा या हैड बीन प्रोड्यूसिंग आएगा ये कंटिन्यूस टेंस होता है पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि इसमें यह वीन आता है तो इसलिए इसके बाद ये आएगा आई एन जी फॉर्म तो ये वाला सेंटेंस इसमें गलत होगा और वोडेप वोडैप तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पर ये तो गलत है और हैड बीन प्रोड्यूस नहीं आएगा इसका सही आंसर होगा ये फर्स्ट वाला दिस इज द फर्स्ट अंटर हैड बीन प्रोड्यूसिंग बिफोर और बिफोर और आफ्टर देखिए यहाँ पर नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए विद बिफोर एंड आफ्टर बी यूज पास परफेक्ट टाइम्स फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग सो दिस वे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेसन भी दिया है और कई ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है एंटीसल एलिमेंट्स शुड सीवियरली पनिस्ट वेन दे आर फाउंड आउट एंड कॉट बाई द पुलिस क्या मतलब है सेंटेंस का कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को सजा दी जानी चाहिए जब उनको पकड़ा जाए और जब उनको पता लगा लिया जाए और जब उनको पकड़ा जाए तो उनको सजा दी जानी चाहिए किसी एजेंट के द्वारा तो जब कोई एजेंट होता है किसी एजेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें हम हमेशा यूज़ करते हैं पैसे वॉइस एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और सजा दी जानी चाहिए किसी जुडिशियल सिस्टम के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा तो यहाँ पर एक एजेंट के द्वारा एक एक्शन हो रहा है एक एजेंट के द्वारा एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है एंटी सोशल एलिमेंट ऑब्जेक्ट है पनिस्ट का तो पैसे वॉइस यहां पर यूज होगा अब पैसे वॉइस में आप देखिए एक चीज और आप देख लीजिए इसमें ट्रिक आप क्या है कि जो पनिस्ट यहां पर यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है पैसे वॉइस में शुट के बाद यहां पर लगा दी हमने थर्ड फॉर्म वैसे शुट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन यहां पर सुट के बाद क्या लगा हुआ है पनिश थर्ड फॉर्म लगी हुई है थर्ड फॉर्म बी थ्री बी थ्री यूज होती है हमेशा पैसे वॉइस में लेकिन पैसे वॉइस में हम शुड ना यूज करते हुए हम यूज करते हैं शुड बी यहां पर होना चाहिए शुड बी तो एंटी सोशल एलिमेंट शुड बी सीवियरली पनिस्ड व्हेन दे आर फाउंड आउट एंड कॉट बाय द पुलिस सो दिस इज हाउ दिस सेंटेंस कैन बी करेक्टेड नाउ लुक लुक इन दिज सेंटेंसिस दिस शुड बी द राइट आंसर शुड बी सीवियरली पनिश्ड फर्स्ट सेंटेंस इज सुड सीवियर पनिश रॉन्ग

वी ऑलवेज यूज शुड बी इन द पैसिव वॉइस नॉट शुड शुड नहीं आएगा शुड भी आएगा इन द पैसिव वॉइस देर इज ऑलवेज एन एजेंट हुम सम एक्शन इज डन एक कोई ना कोई एक, कोई ना कोई एजेंट होता है जिसके द्वारा सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है वो होता है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉयस में सब्जेक्ट खुद ही काम करता है पैसे वॉयस में एक एजेंट होता है जिसके द्वारा सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाता है ये होता है एक्टिव वॉयस और पैसे वॉयस तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका एक्टिव वॉयस और पैसे वॉयस का भी क्लियर हुआ होगा आ, इसके बारे में मैं एक्टिव वॉइस और पैसे वॉइस के बारे में अलग से ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा और अपलोड करूंगा उसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में पैसे वॉइस के बारे में जो बेसिक्स हैं उसके बारे में अलग से मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्रीफली बताया है आपको कि एक्टिव वॉइस और पैसे वॉइस क्या होता है तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं देखिए ये सेंटेंस है आई डू नॉट माइंड टीचिंग यू एक्स्ट्रा इफ़ यू डू और डू योर होम वर्क ऑन टाइम मैं आपको मुझे आपको पढ़ाने में मुझे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है यदि आप अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करते हो अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यहां पर एक वर्ड आया है ये माइंड ये जो माइंड वर्ड है ये हमेशा आप ध्यान रखिए ये निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये वर्ड यूज नहीं होता फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट माइंड या वुड यू माइंड जैसे रिक्वेस्ट के लिए हम बोलते हैं वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये माइंड वर्ड है दिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय बी आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब बी आई एन जी देखिए बी आई एन जी लगी हुई है यहाँ पर तो ये सेंटेंस सही है आई डू नॉट माइंड टीचिंग यू एक्स्ट्रा इफ़ यू डू यूर होमवर्क ऑन टाइम यू और ये सेंटेंस रॉन्ग है जिसमें माइंड के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ ये बी टू लगा हुआ है यहाँ पर ये भी सेंटेंस गलत है ये भी सेंटेंस गलत है और देखिए मैंने कुछ यहाँ पर कुछ और वर्ब्स बताएंगे जिनके बाद आप हमेशा आई एन जी फॉर्म लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको आप सभी जगह यूज कर सकते हैं वेदर इट्स सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लोज टेस्ट वॉट एवर इट इज यू कैन यूज़ इट एनी वे माइंड जो वर्ड है ये हमेशा यूज होगा निगेटिव और इंटोगेटिव सेंटेंस में अवॉइड किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है किसी भी टेंस में अफर्मेटिव में निगेटिव में क्वेश्चन में हमेशा आई एन जी फॉर्म आएगी इस वर्ब के बाद अवॉइड के बाद सेम गोल्स फॉर एन्जॉय एनजॉय के बाद किसी भी टेंस में बर के आईन जी फॉर्म आएगी प्रैक्टिस के बाद किसी भी टेंस में बरफ के एन जी फॉर्म आएगी फिनिश के बाद आई एन जी फॉर्म आएगी हेट के बाद आई एन जी फॉर्म आएगी स्टॉप के बाद आई एन जी फॉर्म आएगी और एक फ्रेज है कांट स्टॉप आई कांट स्टॉप लाफिंग ठीक है और एक होता है कांट सॉरी एक कांट हेल्प भी होता है कांट हेल्प कांट कांट स्टॉप तो है ही ये कांट हेल्प भी होता है कांट हेल्प आई कांट हेल्प लाफिंग तो उसके बाद भी बर्फ की एन फॉर्म आती है और जितने भी प्रपोजिशंस है फॉर एग्जाम्पल ऑन सो फॉर एग्जाम्पल इन एन ये हुआ आपका ऑफ ये हुआ आपका बिफोर ये हुआ आपका आफ्टर ये हुआ आपका ऑन और एक और होता है ऑफ ऑफ ये दिया हुआ है तो इन सभी के बाद हम बर्फ के एन फॉर्म लगाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको ये और जैसे एंजॉय है किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ करिए डू यू एंजॉय वॉचिंग टी बी इस तरह से ये सेंटेंस सही है डू यू एंजॉय टू वॉच नहीं बोलेंगे सारे आई एन जी फॉर्म वाले बर्ब्स हैं ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दे एग्जामिड द न्यू बोर्न ट्विन वेरी केयरफुली बट फेल टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस इन दैम देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है देखने में ऊपर से यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए यहां पर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं ट्विंस ट्विंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं ट्विंस क्या होते हैं दो होते हैं और दो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं दो के लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं अमंग और ऑल और अस जैसे ये बॉबल साउंड वाले वर्ड हैं इनसे हम पहले यूज़ करते हैं अमोंगेस्ट ये तीनों ही मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बिटबी हम यूज़ करेंगे दो के लिए अमोंग यूज़ करेंगे दो से ज़्यादा के लिए और अमंगेस्ट यूज़ करेंगे इन वर्ड्स से पहले जो बॉबल साउंड देते हैं ऑल और आस ये जो वर्ड है इनसे पहले हम यूज करेंगे अमंगेस्ट तो यहाँ पर ट्विंस है ट्विंस मतलब दो तो क्या वर्ड आएगा यहाँ पर यहाँ पर आएगा बिटवीन अब देखिए इन सेंटेंस में बिटवीन कहाँ पर है एनी डिफरेंस बिटवीन दैम ये दिया हुआ है सेंटेंस सेंटेंस नंबर थर्ड सो ये सेंटेंस नंबर थर्ड है ये इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पर आपको बिटवीन अमंग और अमंगेस्ट ये भी आपको समझ में आ गया यहाँ पर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इफ़ यू वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम आई वुड हैव ग्रांटेड यू लीव यदि तुमने अपना काम समय पर पूरा कर लिया होता यदि तुमने अपना प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा कर लिया होता तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी होती इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग है लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि वुड हैव वुड हैव दो बार नहीं आएगा और हैड और हैड दो बार नहीं आएगा हैड के साथ वुड हैव आएगा हैड यूज़ होगा कंडीशनल पार्ट में वुड हैब यूज होगा रिजल्ट पार्ट में कंडीशनल पार्ट कौन सा होता है जिसमें इफ लगा होता है ये होता है कंडीशनल पार्ट यानी इसके द्वारा हम एक शर्त बताते हैं कि ये शर्त अगर पूरी हो जाएगी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला पार्ट है कंडीशनल पार्ट जो इफ से शुरू होता है और कॉमे के बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ये वाला पार्ट है रिजल्ट पार्ट ये रिजल्ट आएगा ये कंडीशन पूरी होगी कंडीशन पूरी होगी तो रिजल्ट आएगा कंडीशन पूरी नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा ये हैड और वोडेब वाले सेंटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन मतलब कोई भी काम इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उससे रिलेटेड जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हो पाई तो आप देखिए कंडीशनल पार्ट में इसमें क्या लगा है वुड है जो कि गलत है कंडीशनल पार्ट में क्या आता है हैड तो आप देखिए यहाँ पर कौन किस पार्ट में हैड है इफ़ यू हैड हैड यू बीन ये गलत है सारे ये सेंटेंस सही है इसमें इसमें आप हैड लगा सकते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम आई वुड हैव ग्रांटेड यू लीव इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा इफ़ यू हैड की जगह आप बोल सकते हैं हैड यू वो भी सही है इफ़ यू हैड की जगह आप बोल सकते हैं यहाँ पर आप इस सेंटेंस की जगह इस सेंटेंस की जगह आप बोल सकते हैं हैड यू तो वो भी सेंटेंस सही है और नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिए इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये ये पूरा आप पढ़ लीजिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सम पीपल बिलीव दैट रणवीर एक्टिंग इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टर देखिए इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं रणवीर की एक्टिंग को दूसरे एक्टर दूसरे एक्टर की एक्टिंग से लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो दो बराबर की चीज़ों को कंपेयर करते हैं सपोज आई एम कंपेयरिंग ए टेबल विथ ए चेयर दिस दिस बॉन्ड भी वेरी लॉजिकल ये लॉजिकल नहीं होगा ये लॉजिकल होगा टेबल को मैं कंपेयर करूंगा टेबल से चेयर को मैं कंपेयर करूंगा चेयर से और एलिफेंट को मैं कंपेयर करूंगा एलिफेंट से तो इस तरह से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो इक्वल सेंस की चीज़ें होनी चाहिए इक्वल लेवल की चीज़ें होनी चाहिए चीज़ तो इसमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं रणवीर एक्टिंग रणवीर की एक्टिंग को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं अदर एक्टर से कंपेयर किससे करना चाहिए रणवीर की एक्टिंग को अदर एक्टर्स की आ, एक्टिंग से तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट रनवीर एक्टिंग इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिंग ऑफ अदर एक्टर्स अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ तो एक्टिंग एक्टिंग इसमें दो बार आ जाएगा और एक्टिंग को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ सिंगुलर नाउन को तो मैं रिप्लेस करूंगा दैट ऑफ से और अगर प्लूरल कोई नाउन होगी तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा दोज ऑफ से तो इसमें सिंगुलर नाउन है एक्टिंग तो मैं करूँगा इसको दैट ऑफ से अब सेंटेंस में देखिए दैट ऑफ कहाँ पर आया है not different from not different then then ये आया नो डिफरेंट फ्रॉम देट ऑफ तो ये दैट ऑफ आया है इसमें सिंगुलर के लिए तो ये वाला सेंटेंस इसमें सही होगा इसमें उसमें आपका ऑप्शन होगा आप, आपका आंसर होगा आंसर नंबर फोर तो दैट ऑफ आता है सिंगुलर के लिए किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए किसी वर्ड के रिपीटेशन uh, को रोकने के लिए और दो जॉब आता है टूरल के लिए तो so, इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया यहाँ पर इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द रिजल्ट ऑफ क्लास टेंथ आर यहाँ तक सही है क्योंकि रिजल्ट प्लूरल है तो इसके बाद आर आया है और यहाँ पर भी वही लास्ट सेंटेंस वाला कंपेरिजन है द रिजल्ट ऑफ क्लास टेंथ आर बेटर देन दोज ऑफ एनी अदर क्लास इन द स्कूल तो यहाँ पर दोज ऑफ भी आया है दोज ऑफ इसलिए आया क्योंकि रिजल्ट प्लूल है और आर इसलिए आया क्योंकि रिजल्ट प्लूरल है तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है इसका आंसर आपका होगा फाइव नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर आपको लगाना है फाइव नो करेक्शन रिक्वायर्ड चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ओनली कैंडिडेट हुआ प्रोफिसियंट इन दीज काइंड ऑफ स्किल्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सेलेक्शन ये कई एग्जाम में आ चुका है और बहुत कॉमन है इसमें आप देखिए दीज इसमें जो है वो प्लूरल है और काइंड इसमें सिंगुलर है तो इसलिए सेंटेंस यहां पर ये गलत हो गया यहां पर ये सेंटेंस ये दी जो है प्लूरल है और काइंड सिंगुलर है तो यहां पर आप दीज काइंड्स लगाएंगे यहां पर लगाएंगे आप दीज काइंड्स क्योंकि काइंड्स प्लूरल है तो कौन सा सेंटेंस सही होगा These kinds of skill, ये इसका आंसर सही है इसमें दीज काइंड गलत है दिस इसमें दिस के बाद काइंड आएगा इसमें इस लगा हुआ ये गलत है द काइंड एक्टिविटीज ये भी गलत है इसमें तो इसमें फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा दीज इज फॉलोड बाय दिस दीज इज फॉलोड बाय प्लूरल तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा यहां पर मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया इज टू बी स्पीड अप द गवर्नमेंट विल हैव टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट ये सही है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेजी देनी है तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अब इसमें देखिए टू बी जो होता है ये टू बी के बाद हमेशा हम बर्फ की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ये जो टू बी है ये टू बी टू बी के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर थर्ड फॉर्म और स्पीड अप की थर्ड फॉर्म होती है स्पीडेड अप ठीक है और स्पीड की सेकेंड फॉर्म होती है स्पीड की सेकेंड फॉर्म होती है या तो स्पेड होगी या स्पीड होगी तो इस तरह से इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेकिन जब हम स्पीड को एज ए फ्रेजल बर्ब यूज़ करते हैं तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा होती है स्पीडेड अप स्पीडेड अप इस्पैड नहीं होगी स्पीडेड अप होगी क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेजल बर्ब यूज़ कर रहे हैं तो अब देखिए इसमें स्पीडेड अप किस सेंटेंस में दिया हुआ है टू बी स्पीडेड अप इस टू बी स्पेड नहीं होगा क्योंकि ये फ्रेजल बर्ब नहीं है फ्रेजल बर्ब के साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे टू बी स्पीडेड अप तो इसका ये इसका सही इसका आंसर होगा आंसर नंबर टू इसका सही होगा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है और सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है इट वॉज ही नॉट मी इट वॉज ही नॉट मी हु डिसाइडेड टू कैंसिल द पार्टी ये वही था जिसने पार्टी को कैंसिल किया ये मैं नहीं था ये वह था जिसने पार्टी को कैंसिल किया दिस वॉज सेंटेंस मीन्स लेकिन इसमें ग्रामेटिकल देखिए एरर नहीं लग रही लेकिन इसमें ग्रामेटिकल एरर बहुत ही ट्रिकी सेंटेंस है और कई एग्जाम्स में बैंक पी एग्जाम में ये कई बार आ चुका है देखिए ये जो ये जो वर्ड ये जो वर्ड है आपका वॉज ये किसी एक्शन को इंडिकेट नहीं करता ये केवल स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है इट वॉज फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलता हूँ एम मे टीचर तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा ठीक है और जब एक्शन होता है तब उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जब सब्जेक्ट के द्वारा एक एक्शन होता है तब उसमें ऑब्जेक्ट uh, आता है इसमें अब देखिए जैसे ये है इट वॉज तो इट वॉज़ के बाद ये जो ही है ये ही वॉज का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है इसमें तो केवल स्टेटमेंट हो रहा है जब हम बता रहे हैं तो वॉज के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा और ये जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा हमेशा ध्यान रखिए कि इज एम आर और वॉज वर् के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा क्योंकि वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो बर्ब नहीं है ये रेगुलर बर्ब नहीं है रेगुलर बर्ब में ऑब्जेक्ट होता है यदि मैं बोलूं आई स्टडी ग्रामर मैं ग्रामर स्टडी करता हूं मैं क्या स्टडी uh, करता हूं आई स्टडी ग्रामर तो ग्रामर इसमें ऑब्जेक्ट होगा जब किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आई लाइक फूड या अब इसमें मैं बोलूंगा आई लाइक वॉट आंसर आएगा फूड तो फूड इसका आंसर फूड इसका ऑब्जेक्ट होगा तो जब हम किसी क्वेश्चन में थिंग्स के लिए थिंग्स uh, के लिए वॉट और पर्सन के लिए हुम अप लगाते हैं और वॉड और हुम का जो आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट देखिए आई स्टडी ग्रामर आई स्टडी वॉट आई स्टडी ग्रामर तो ग्रामर इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा ये थिंग्स है राम किल्ड रावण राम किल्ड हुम तो राम किल्ड रावण तो रावण इसमें ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये पर्सन है तो मैं हुम बोल रहा हूँ और ये थिंग है तो यहाँ यहाँ में वॉट बोल रहा हूँ क्योंकि थिंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं और पर्सन के लिए हम ह्यूम भी यूज करते हैं ठीक है तो जब किसी भी सेंटेंस में हम वॉट लगाएंगे और का जो आंसर होगा होगा वो हो उसका ऑब्जेक्ट। like 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 तो होगा इसमें ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में टीचर से हूं कोई एक्शन नहीं हो रहा तो है इसमें तो इसलिए सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस आएंगे यहां पर. तो यहां पर का है, लेकिन मी सब्जेक्टिव केस का नहीं है सब्जेक्टिव केस का मी इक्विवेलेंट क्या होगा आई तो ये सेंटेंस होगा इट वॉज ही नॉट आई इट वॉज ही नॉट आई दोनों ही सब्जेक्टिव केस में आएंगे ये तो ही नॉट आई इसका सही आंसर होगा ही नॉट आई देखिए ये जो आंसर होगा इसका ये जो आंसर है ये सही है ये आंसर इसका सही होगा तो सेकेंड आंसर इसका आ, बिल्कुल सही होगा मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कम, समझ में आ गया होगा यदि अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए मैं जरूर आपका उस आपको सेटिस्फाई करूंगा जरूर उसका जब आप आपको दूंगा हो सकता है आपको ये एक्शन वाला पार्ट समझ में ना आया हो या ऑब्जेक्ट वाला पार्ट समझ में ना आया हो तो जरूर मुझे लिख के बताइए मैं आपको 24 फोर आवर्स के अंदर उसका जरूर जवाब दूंगा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऑन सींग हिम वॉकिंग विद डिफिकल्टी एस्ट हिम फॉर हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग जब मैंने उसको डिफिकल्टी के साथ चलते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा कि कितने दिनों से वह परेशानी में था कितने दिनों से उसको यह परेशानी चल रही थी तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर यह पास्ट टेंस है ऑन सींगम वॉकिंग विथ डिफिकल्टी आई आस्ट मैंने उससे पूछा और उससे पूछने से भी पहले भी कोई परेशानी चल रही थी तो यहाँ पर यूज होगा पास परफेक्ट टेंस तो ये सेंटेंस सही है यहाँ पर लेकिन इसमें एक गलती है कि हाउ लॉन्ग के साथ हम फॉर और सेंस जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते ये सुपर फ्लूस हो जाएगा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा ये नीडलेस हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर ये यह, यहाँ पर ये यह जो वर्ड है ये जो वर्ड है ये एक्स्ट्रा है फॉर हाउ लॉन्ग सेंस हाउ लॉन्ग हम यूज़ नहीं करते हाउ लॉन्ग यूज होता है अकेला तो इसका आंसर क्या होगा सिंस दिया हुआ ये गलत है हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग ये सही है हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग फॉर इसमें ये फॉर गलत है एलिंग के साथ ये सॉरी हाउ लॉन्ग के साथ नहीं आएगा ये यहाँ पर सिंस नहीं आएगा ये गलत है इसमें तो इसका सही आंसर ये है सेकेंड वाला ये इसका सही आंसर है हाउ लॉन्ग ही हैड बिन एलिंग ये इसका सही आंसर है एक्सप्लेनेशन देखिए वी डू नॉट नीड फॉर एंड सिंस विथ हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग के बाद हम फॉर फॉरन सिंस का प्रयोग नहीं करते तो इस तरह तो से ये कॉन्सेप्ट आपका हाउ लॉन्ग का एकदम से क्लियर हो गया नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द प्रेजेंट टाइम वी एक्सपेक्ट टू स्टडी मोर देन आर टीचर हैव जो कट थ्रोट है हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उस हम अपने टीचर से ज़्यादा पढ़ें हमारे टीचर्स ने पास्ट में जितना पढ़ा है उससे हम ज़्यादा पढ़ें तो इसमें एक देखिए कि टीचर्स आर नॉट सपोज टू स्टडी टीचर्स आर सपोज टू टीच एंड स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी तो यहाँ पर टीचर्स ने स्टडी कर ली है नहीं आएगा यहाँ पर टीचर्स ने स्टडी की पास्ट में ठीक है कन्फ्यूज मत होइए इसमें टीचर्स ने स्टडी पास्ट में की है टीचर्स हैव स्टडी नहीं टीचर्स डिड आएगा यहाँ पर टीचर्स ने पास्ट में स्टडी करी है हम अभी प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं तो और ये पैसिव वॉइस में आएगा यहाँ पर हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने टीचर्स से ज्यादा पढ़ें तो वी आर एक्सपेक्टेड होगा वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी मोर देन आर टीचर्स डिड तो वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी मोर देन आर टीचर्स डिड ये इसका सही आंसर होगा ये इसका सही आंसर होगा हैब इसमें नहीं आएगा हैब से उतना मीनिंग नहीं आएगा डिट से इसका करेक्ट मीनिंग निकल के आएगा तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऑन द माउंटेन्स द हायर यू गो द कोल्डर यू फील द कोल्डर यू फील देखिए इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए इस तरह के स्ट्रक्चर में कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स पर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेंपरेचर डाउन होता जाता है तो इस तरह से आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें एक तो दोनों ही पार्ट में दा यूज होगा दोनों ही पार्ट में नेसेसरी दा यूज़ होगा अगर एक पार्ट में दा है एक पार्ट में दा नहीं है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस करेक्शन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्लोज टेस्ट में कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही बार इसमें कंपेरेटिव डिग्री आएगी यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री नहीं है ये गलत है यहाँ पर होगा कोल्डर द हायर यू गो द कोल्डर यू फील जितना आप ऊपर जाते हैं उतना उतना ठंडक बढ़ती जाती है दोनों ही बार इसमें वो आएगा अब देखिए इसमें कौन सा सही होगा इसमें द हायर नहीं ये द कोल्डर यू फील ये सही होगा इसमें द कोल्डर यू फील ये सेंटेंस का आंसर होगा आंसर नंबर वन द हायर यू गो द कोल्डर यू फील द इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं द फास्टर यू गो द बेटर यू गेट इस तरह से कोई सा भी सेंटेंस बन सकता है लेकिन ध्यान रखिए दोनों ही तरफ द और द आएगा और दोनों ही तरफ कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो इस तरह से ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं आपको और ये आपको सेंटेंस करेक्शन में भी यूज यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्लोज टेस्ट में कहीं पे भी ये यूज़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे आपके तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये यूजफुल आपको लगता है तो और मुझे कमेंट करके बताइए क्या चीज़ आपको समझ में आई कितना फ़ायदा हुआ और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई मैं जरूर आपको जवाब दूंगा और यदि आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर थैंक यू